भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के तेउथर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के पक्ष में वोट की अपील करने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने तेउथर से जवा तक रोड शो किया। नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर कई तीखे वार किए। उन्होंने कमलनाथ सरकार पर भी जमकर तंज कसे। जेपी नड्डा ने कहा कि ये घोटालों की सरकार है, ऐसी सरकार को आने देना है क्या? चाहे गहलोत हो, चाहे बघेल हो या फिर कमलनाथ हो, ये तो कलेक्टर हैं। कलेक्टर वो भी जिलाधीश नहीं, ये इकट्ठा करने वाले कलेक्टर हैं। ये कलेक्ट करते हैं और इकट्ठा करके दिल्ली के दरबार में अर्पित कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह काम करते हैं। इसे लोगों को आने देना है क्या? नड्डा ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर छल कपट करके लोगों को गुमराह कर वोट लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड बताकर जनता से आशीर्वाद मांगती है। नड्डा ने कहा कि केंद्र से आने वाले पैसों को लौटाने का पाप अगर किसी ने किया है तो वह कमलनाथ है। अपने 15 महीने की सरकार में प्रधानमंत्री आवास के 2 लाख पक्के मकानों को कमलनाथ ने लौटा दिया था। 248 करोड़ जल जीवन मिशन के तहत दी सौगात को भी उन्होंने यह कहकर लौटा दिया था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। यह पैसे कमलनाथ के नहीं थे, यह गरीब मजदूर और पिछड़ा वर्ग के लोगों के थे। आप बताइए, कमलनाथ की सरकार घोटालों की सरकार रही कि नहीं रही? आप बताइए, इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस किया कि नहीं किया? आप बताइए, कमलनाथ के रिश्तेदारों के घरों से ढेर सारा धन निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, इनके खिलाफ केस चले कि नहीं चले? आप बताइए, इनका ओएसडी के घर से धन निकला कि नहीं निकला? काजल की कोठरी में रहोगे तो कालिक तो लागे ही लागे, कालिक तो लगेगी लगेगी। ये घोटालों की सरकार, ऐसी सरकार आने देना है क्या? आने देना है क्या ऐसी सरकार? ये घोटालों की सरकार। और मित्रों, मैं एक बात और बता दूं, ये चाहे गहलोत हो, चाहे बघेल हो, चाहे कमलनाथ हो, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये कलेक्टर है। कलेक्टर और अंग्रेजी वाला कलेक्टर नहीं, जिलाधीश नहीं, ये इकट्ठा करने वाले लोग हैं, समझ गए? कलेक्ट करते हैं इकट्ठा, और इकट्ठा करके दिल्ली दरबार में वहां अर्पित कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।